हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं अभी। तो मैं मसाला पीसने जा रही हूँ घर में, है ना, कुट कर। ये देखो, मैंने धनिया पाउडर रखा, साबुत धनिया लिया है, तो मैं इसको घर में ही पीसूँगी। तो घर में पिसा हुआ धनिया बहुत टेस्ट होता है ना, अच्छा होता है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं घर में पीसती हूँ ये सब धनिया मसाला वगैरह। और ये देख, हमारा अरसी सुबह का टाइम में खाना ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ना। जानती होगी अब सब लोग, ये जैसे अरसी होता है, तो मैंने इसको भून के रखी हुई है, तो उसको मैंने ये बोतल में डाल के रखूँगी, है ना। सुबह सुबह मैं इसको एक एक चम्मच खाती हूँ ना। मैं अभी खा के देखती हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी है। तो अभी मैं पीसने जा रही हूँ ये इसमें। ये देखो हमारा जीरा, इसको भी मैं पीसूँगी अभी, है ना। तो वीडियो एंड तक बने रहे, इसमें पीसूँगी मैं अभी इसको। ये देखो हमारा ये जीरा है, ये देखो मैंने घर में पीस के रखी हुई है, कितना मस्त लग रहा है कलर, है ना। और थोड़ा सा पीसना पड़ेगा। अपनी भी खुशियों का पल आएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये देखो हमारा रेडी हो चुकी है धनिया पाउडर, क्या मस्त कलर लग रहा है ना। आप लोग भी ऐसे ही बना के रखो घर में, स्टोक करके रखो, है ना। घर में पिसा हुआ है, अच्छा खुशबूदार होता है, इसलिए मैं घर में ही हमेशा पीस के रखती हूँ मसाला। ये देखो अब मैं पीसूँगी ये धनिया, ये देखो ये धनिया को पीसूँगी अभी, है ना। ये देखो मैं इसमें रख रही हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी मैंने इसमें धनिया रखा है, तो धनिया को उसमें वो पीसूँगी, है ना। ये देखो हो गया। ये देखो हमारा गरम मसाला का पैकेट, है ना। ये देखो इसमें सब कुछ है, ऐसे ही रेडीमेड वाला मार्केट में मिल सकता है मिक्सचर, है ना। तो मैं गरम हवा में डाल दिया है, इसमें क्या क्या मैं आपको दिखा सकते हैं। जावित्री है, फूल है, और ये दालचीनी वगैरह, ये लौंग, बड़ी इलायची, सब कुछ, जयपुर है, ये क्या है, जीरा है, इलायची, सब कुछ है। मैं ऐसे घर में मसाला, अपना घर का मसाला पीसती हूँ, गरम मसाला। आप सब लोग ऐसे बना के पीस के रख सकते हैं स्टोक करके, है ना। तो मैंने इसके लिए मैंने लिया है 2 पैकेट, है ना। ये भी है एक, तो मैं बहुत सारा बना के रखूँगी इतना, तो 3 महीना के लिए आराम से हो जाएगा, 3-4 महीना आराम से हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, थोड़ा थोड़ा ही डालने का रहता है। ये देखो इसके साथ अदरक भी है सूखा वाला। ये हो गया हमारा टेस्ट पट्टा, इसके साथ मैं इसको भी भून लूँगी, है ना, बने रह। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा भून के रखेगा, है ना, पीसने में आसान हो जाएगा। ये देखो हमारा गरम हो चुकी है, तो ठंडा होने के बाद मैं इसको पीसूँगी, है ना। ये देखो चिकन और मटन में सब में ग्रेवी में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो चिकन मटन के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है अपना घर का पिसा हुआ मसाला। ये देखो हमारा धनिया रेडी हो चुकी है, ये देखो धनिया पाउडर क्या मस्त लग रहा है ना। मार्केट से भी ज़्यादा ओरिजिनल वाला घर में पिसा हुआ मसाला को अपना ग्रेवी या कुछ भी सूखा सब्जी में डाल के बनाओ, क्या मस्त टेस्ट आता है उसका, है ना। सुपर डुपर टेस्ट आता है। तो मैं इसको अपना बोतल में स्टोर करके रखूँगी, इसमें भर के आराम से 1 महीना चलेगा। इसे रखिए आप सब लोग, है ना, अपना काम भी बच जाएगा। जितना डलेगा सब्जी में सिर्फ इतना ही डलेगा 1 चम्मच, है ना। तो इसे बना के रखो, सब मम्मियों को मैं बोलना चाहती हूँ, इसे करके अपना घर का मसाला खिसा हुआ ही करो सब्जी में। ये देखो हमारा धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये हमारा जीरा पाउडर अपना घर में पिसा हुआ है ना, इतना मस्त लगता है ना। ये देखो हमारा गरम मसाला रेडी हो चुकी है, ये देखो बहुत अच्छा से मैंने उसको पीस के रखा हुआ है, देखा तो है अक्खा अक्खा वाला जो मैंने भून के रखा था, अभी मैंने उसको पीस दिया, अभी मैंने इसको इसमें स्टोर करके रखेगा, ये आराम से 2-3 महीना चलेगा, है ना।
अब सब लोग ऐसे घर में पीस के अपना घर में बना रहा हूँ गरम मसाला। ये गरम मसाला, ये जीरा, अरे हो गया हमारा। हमारे वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय बाय। ये देखो गरम मसाला, ये जीरा और ये धनिया, मस्त लग रहा है ना।